किया था, माफी मांगना चाहिए उनको। मेंबर्स ऑफ द ट्रेजरी बेंचेस आर मेकिंग माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल। आप तील को ताल बनाना चाहते हैं। मैंने राम कहा, आपको काम सुनाई दिया, तो मैं क्या करूं? आपको अगर दम है तो मेरे बात सुनिए और मुझे बोलने का मौका दीजिए। अगर दम है तो बोलने दीजिए और मेरे बात भी बोलने दीजिए। मैंने क्या कहा आपको? मैंने कहा बंगाल में, आसाम में प्रधानमंत्री ये घुसपैठिया चलते एक के बाद एक आम नागरिकों को खुदकुशी की कगार में हम पहुंच दिए हैं। एक के बाद एक हिंदुस्तान के नागरिक अभी खुदकुशी कर रहे हैं, बंगाल में चाहे, आसाम में चाहे, चारों तरफ। ये जो भय भी और डर का माहौल पैदा हो गए हैं, इससे निपटना जरूरी है। अगर एनआरसी लाना चाहते हैं तो एनआरसी सदन में लाइए। बाहर की बयानबाजी कर रहे हैं, बाहर आपको बयानबाजी के चलते हिंदुस्तान के आम लोग घबरे हुए हैं, हिंदुस्तान के आम लोग भयभीत हुए हैं। इससे मैं कहूँ अगर ऐसा भी हो सकता जैसे मैं बैठ जाइए, मैं बात कर रही हूँ, आप लोग बैठ जाइए। टीवी पाकिस्तान से आए हैं, आडवाणी जी भी पाकिस्तान से आए हैं, चाहे नरेंद्र मोदी हाँ आए हैं, उन लोग आप बैठ जाइए। तो इसलिए आप कहते कि हर सुबह में अलग अलग एनआरसी होगा, हर सुबह में अगर अलग अलग एनआरसी, जब तक इनके नेता तो इटली से आए हैं, ये ठीक नहीं है। नहीं, उनको सिर्फ माफी मांगना चाहिए पाकिस्तान रिकॉर्ड से। ऑल इन अवर स्टेटमेंट शुड बी एक्सपोज फ्रॉम द रिकॉर्ड। माफी मांगे, माफी मांगनी होगी, माफी मांगे। आप बोलिए। मैडम, मैंने तो लंच से पहले भी कहा था कि अधीर रंजन चौधरी का जो कुछ भी स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री जी को लेकर और माननीय गृह मंत्री जी लेकर, दिस इज हाईली इरिस्पॉन्सिबल, कंडेमनेबल एंड इट कैनॉट बी एक्सेप्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। And the person who is the most popular and who got the mandate second time, this is the only prime minister who got the mandate second time. Non-congressive leader को अगर दोबारा दूसरी बार मौका देश के लोगों ने दिया है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। ऐसे प्रधानमंत्री जी को, लोकप्रिय नेता को इन्होंने घुसपैठी कहा है। इनका खुद का नेता घुसपैठी है। He is not understanding that. President of the Congress party, he Gujarati hai and he is talking that our leader Narendra Modi, who comes from the most poor background, इनका तो background देख लीजिए, he comes from a very very ordinary family and he has reached to that level and he is calling him as an infiltrator and to the Amit Shah ji also, I condemn the statement. If Congress party has got some little sense. He should immediately apologize. Otherwise, I would like to demand from Srimati Sonia Gandhi and Mr. Rahul Gandhi, they should apologize on his behalf. That's right. माफी मांगनी चाहिए। आप जितना भी बात किए हैं उस तरह की बात जो भी बोला गया है, आप सीधे माफी मांग लेते हैं। नहीं, अच्छी बात नहीं। घुसपैठिया कह रहे हैं, हमारे लीडर सोनिया गांधी जी को घुसपैठिया कह रहे हैं, यही लोग क्या कर रहे हैं आप? हम मानेगा क्या? तो आपका लीडर भी घुसपैठिया है। अगर मेरा लीडर है, आपका लीडर भी है, हिम्मत है तो मेरे बात सुनो, मान लो। आज जी, धन्यवाद धन्यवाद सभापति जी। राजेंद्र, मुझे वास्तव में
बड़ा आश्चर्य है और बड़ा दुख है कि अधीर रंजन जी जो इतने वरिष्ठ सांसद हैं अभी भी सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं, माफी नहीं मांग रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में, देश के गृह मंत्री जी के बारे में जिस प्रकार उन्होंने टिप्पणी की है उसके विषय में ज्यादा नहीं कहना चाहता मैं, सारा देश जानता है। लेकिन कांग्रेस की इन्हीं नीतियों के कारण से, इन्हीं नीतियों के कारण से देश के अंदर घुसपैठिए घुसते रहे, कांग्रेस की सरकारें बसाती रही और जो लोग नेहरू लियाकत समझौते के बावजूद जो धार्मिक उत्पीड़न के शिकार हुए उनको उन्होंने शरण नहीं दी, उनके खिलाफ खड़े रहे, देश के अंदर वैमनस्य का भाव पैदा किया। ये लोग वोट बैंक की राजनीति केवल करते रहे हैं, देश का कितना नुकसान उनके कारण से हुआ है इनका ने अंदाजा नहीं है। पूरा जो हमारा उत्तर पूर्व है, पूरा जो बंगाल है उसका डेमोग्राफी चेंज हो गई इनके कारण से। और इसी प्रकार की बात करते हैं, इन्हें तुरंत माफी मांगनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए। और सोना जी के बारे में हम नहीं कहना चाहते, 18 साल तक उन्होंने नागरिकता नहीं ली, देश की बहू बनने के बाद भी ये रिकॉर्ड है, ये बताइए ये किस आधार पर क्या बात कहते हैं। इन्हें क्षमा मांगे, कोई दबाई न दे, कोई रेफरेंस करते इसकी बात ना करे, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। और मुझे उम्मीद है अधीर रंजन जी सदैव देश के अंदर जिस दल ने शासन किया उसके नेता है, उनको तत्काल माफी मांगनी चाहिए। जोशी जी मैडम, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अवर डिमांड फ्रॉम ट्रेजरी बेंच वॉज दैट ही शुड अनकंडीशनली अपोलोगाइज एंड हाउस शुड रन, बट अधीर रंजन चौधरी बीइंग सो मच रिस्पॉन्सिबल मेंबर and senior member and leader of the party, he is not ready to apologize, but the responsibility of the government is to run the house. They have become senseless. Unko koi samvedana nahi hai, isiliye main aapko request karta hu, since they are irresponsible aur congress kabhi bhi sudharte bhi nahi hai and Adhir Ranjan bhi sudharte nahi hai, isliye main aapko nivedan karta hu ye band karke aap aage ka jo karwai hai kripya le lijiye. नंबर 11 और 12 कराधान विधि संशोधन विधेयक को शुरू किया जाए, और ये माफी वाला ये सवाल आप सबों को जरूरी है कि इनको माफी मांगना चाहिए, और इतना बात जो बना रहे हैं नहीं बनाना चाहिए। मेरे तरफ से अनुरोध है, अब इनका संवैधानिक संकल्प है, मूव करें। ये सुनिए, श्री अधीर रंजन चौधरी जी संवैधानिक संकल्प मूव करें। कौन सा संकल्प? संवैधानिक संकल्प। मैडम दैट दिस हाउस डिसअप्रूव ऑफ द टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 नंबर 15 ऑफ 2019 प्रोमल्गेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन 20th September 2019। माननीय मंत्री जी,